दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गए हैं। दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में या पढ़ाई के द्वारा एक शब्द जरूर सुना होगा, मानो। जैसे सेंटेंस है कि मानो वह पागल हो, चाहे आप किसी भी सेंटेंस में बात करते हैं कि वह इतना खाता है या वह इतना बोलता है कि मानो वह पागल हो। देखिए, आपने गौर किया है कि इस मानो का अंग्रेजी क्या होगा, या अगर सेंटेंस आ जाए कि वह इतना बोलता है मानो वह पागल है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वह इतना बोलता है तो आप इसे बना लेंगे, लेकिन मानो का अंग्रेजी का होगा। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आगे हकीकत में जब हिंदी में मानो शब्द आ जाए, मानो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसका अंग्रेजी क्या होगा। शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, मानो का जो अंग्रेजी होता है वह दोस्तों होता है एज इफ। एज इफ मतलब मानो होता है। जहां भी अंग्रेजी में सेंटेंस आए क्या मानो, तो हम लोग इसका प्रयोग, कभी कहीं होता है लाइक का भी प्रयोग होता है, कहीं कहीं लाइक का भी प्रयोग होता है, लेकिन मानो का मूलतः अंग्रेजी देखा जाए तो वो होता है एज इफ। अब मैं सेंटेंस बनाकर आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूं कि किस प्रकार इसका हम लोग अगर हिंदी में आ जाए तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है कि वह इतना बोलता है मानो वह पागल है, तो इसको हम कैसे बने? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर इसका क्या है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, उसके बाद है वर्ब, फिर है ऑब्जेक्ट, उसके बाद है, अगर जरूरत पड़े तब हम यहां पर ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, अगर जरूरत नहीं है तब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। उसके बाद है एज इफ, जिसका हम लोग अभी प्रयोग समझने वाले हैं, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वेयर, प्लस ऑब्जेक्ट। यही जो सेंटेंस है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक शेड्यूल है आपको बनाने का कि कोई भी हिंदी सेंटेंस आपको मिलेगा तो आप कैसे एक स्ट्रक्चर बद्ध तरीके से उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप समझ जाइएगा कि आखिर में मानो जो होता है, जो शब्द है, वो जब प्रयोग होता है सेंटेंस में या स्पीकिंग में प्रयोग होता है तो हम कैसे उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर यूज कैसे करते हैं। देखिए यहां पर दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, वह है इतना बोलता है मानो वह पागल हो। यही सेंटेंस है दोस्तों कि वह इतना बोलता है कि मानो वह पागल हो। अगर इस प्रकार के जब सेंटेंस आएगा, देखिए इसमें मानो शब्द प्रयोग हुआ है वह, है ना, तो हम जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट कंफ्यूज खा जाते हैं कि आखिर में सबका तो जानते हैं इस मानो शब्द का क्या प्रयोग है, इस मानो का एज ही प्रयोग होता है, लेकिन कैसे होता है हम आज स्ट्रक्चर पर बैठा कर देखते हैं। देखिए क्या है, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट को ला लिया है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर ही, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो क्या करें इतना बोलता है, बोलना का क्या अंग्रेजी होता है दोस्तों, तो यहाँ पर ता है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम उसी रूल से बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है इसका हो जाएगा स्पीक्स, इसलिए स्पीक्स होगा, क्यों, क्योंकि एस आई एस का प्रयोग जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, जब सब्जेक्ट क्या होगा ही सी इट या कोई एक नाम होता है, तो उसके बाद होता है इतना, यानी जितना हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा मच। उसके बाद दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्ट तो लिख दिए हम लोग, वहां पर है एज इफ, लिखिए एज इफ, एज इफ मानो का होगा, फिर उसके बाद है क्या सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट लिखे ही है तो ही लिख दिए, उसके बाद फिर है वेयर शब्द का प्रयोग कीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूं कि वेयर का प्रयोग यहाँ पर क्यों करेंगे, यहाँ पर वेयर है, उसके बाद क्या है कि पागल है, ही वेयर मैड, ही वेयर मैड, आपको यहां पर आप देख सकते हैं, आप नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा ऊपर मैं इसे लिख देता हूं कि यहां पर जो है हम लोग लिख सकते हैं कि ही वेयर मैड, मतलब ही स्पीक्स मच एज इफ ही वेयर मैड, वह इतना बोलता है कि मानो वह पागल हो। वह पागल हो का मतलब यहां पर वेयर शब्द का प्रयोग क्यों है, क्योंकि जब यहाँ पर हो है तो इसका वेयर शब्द का प्रयोग, क्योंकि आप पूछ सकते हैं हमसे ना, ऐसी बात ही हमसे पूछ सकते हैं कि आखिर में सर जो है यहाँ पर वेयर क्यों, क्योंकि मैं एक आप स्ट्रक्चर बता, जैसे कि काश मैं एक राजा होता, आई विश आई वेयर ए किंग,
तो उसमें क्या है कल्पना, जब भी कल्पना की बात की जाती है दोस्तों, कल्पना वाले जो सेंटेंस होते हैं, इमेजिन वाला सेंटेंस होता है, तो उसमें हम लोग वेयर शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी एक्सिलरी वर्ब जो होता है वेयर का प्रयोग करते हैं। उसी हिसाब से यहां पर वेयर का प्रयोग हुआ है। देखिए यहां पर सेंटेंस में आप स्ट्रक्चर पर, बिल्कुल केवल स्ट्रक्चर पर ही फोकस कीजिए। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद एज यानी जो मानो है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वेयर, फिर ऑब्जेक्ट, है ना, इसी पर फोकस करो। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने एग्जांपल में लिखा है, वह बहुत खाता है मानो वह राक्षस हो, यानी बहुत ज्यादा खाने वालों का व्यक्ति आदमी कल्पना किस प्रकार करता है, किस प्रकार की उपमा देखता है, तो राक्षस की उपमा से देखता है, क्योंकि राक्षस जो है बहुत खाते हैं तो बहुत खाते हैं दोस्तों, तो उसी हिसाब से जो होता है इसका कल्पना। यहां पर जो बातें लिखी गई है कि मानो वह राक्षस, कोई आदमी राक्षस तो नहीं है, बड़े बड़े नाखून या बाल में, सिर में सिंह भैंस की तरह तो नहीं निकल जाएंगे, तो यहाँ पर राक्षस कहने का मतलब है इमेजिन कर रहा, यानी कल्पना कर रहा है। तो जो इमेजिन वाली, जो कल्पना वाली बातें होती हैं, उसमें हम लोग एक्सिलरी वर्ब का वेयर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए अलग मेरा वीडियो होगा, आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर के हिसाब से आप वेयर का ही प्रयोग कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। जैसे देखिए है कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पहले ही है, तो ही लिख दिए। खाना का अंग्रेजी क्या होता है, खाता है, ये कौन सा टेंस है आप बताइए दोस्तों, खाना का अंग्रेजी क्या होता है आप बताइए, मतलब यहां पर खाता है ई ए इट्स, इट्स होगा कि वह खाता है कितना मच, ठीक ना, यानी वह बहुत खाता है मानो। यहां पर क्या है ऑब्जेक्ट हो गया, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद है एज इफ का प्रयोग, तो हम एज इफ लिख दिए, यानी मानो का अंग्रेजी यहां पर लिख दिए, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, यानी फिर सब्जेक्ट यानी ही है, तो यहां पर ही लिख दिए, उसके बाद राक्षस ही वेयर, यानी वेयर शब्द का प्रयोग करें, उसके बाद राक्षस क्या होता है जैन। देखिए दोस्तों ये बन गया ना आपको, इस प्रकार से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई भी अगर सेंटेंस आ जाएगा जिसमें मानो लगा हो तो आप इस प्रकार, और कल्पना की बातें हो तो आप इस प्रकार से सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं या उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे एग्जामिनेशन हो चाहे कहीं भी हो। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूं, उसे आप बताइए, देखिए कितना हटकर है वह। देखिए दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि वह बहुत लिखता है मानो वह लेखक हो, यानी वह बहुत लिखता है मानो वह लेखक हो, तो आप इसे बनाइए, ठीक ना। अभी देखिए दोस्तों लास्ट मैं बोल रहा हूं आपसे अंतिम बार कि जब भी सेंटेंस में मानो, यानी मानो जो शब्द है दिखेगा, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर पर ही बनाएंगे। सबसे पहले इसमें देखिए दो सब्जेक्ट रहेगा, तो ये दो सब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग एज का मतलब होता है मानो, यानी मानो का अंग्रेजी एज, इस प्रकार से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैंने ये दिया है एग्जाम्पल, वह बहुत लिखता है मानो वह लेखक को, इसलिए कि आप इसे ट्रांसलेट कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि इसका क्या है, इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको जो है मेरी बातें समझ में पूरी तरह से आ रही है अथवा नहीं। इसी प्रकार के वीडियो, जानकारी वाले और स्ट्रक्चर वाले वीडियो देखने के लिए, सारे एडुकेशन संबंधी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।